डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब मावन सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब गुप्ता साहब प्रोविंशियल जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब तेली साहब और ये यहाँ रेजुलेशन जो पेश किया है मोहम्मद रफीक साहब के रिटायर्ड तहसीलदार, इसी तरह से हमारे इनके साथ सुनील मेहरा जी हैं, वो सूबा के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू। हाजी मोहम्मद सादिक साहब हमारे जो पुणे से हैं, ये सूबा के वाइस प्रेसिडेंट जी भी हैं। बाल जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से हैं, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट हमने बनाया है। मुझे पहले मौका दिया, 4-5 साल मैंने जो काम किया वो आपके सामने है। काम जो किया वो शपथ है किसी से रहता नहीं, उसकी मिसाल सदर ओबीसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब, रीजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा साहब, लोत्रा साहब, बाकी साथी, हमारी बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं और आगे भी बैठी हैं बहनें, भाइयों और बुजुर्गों, आपने बहुत सुन लिया, सब बातें आपके सामने आ गई हैं। मुझे तो खुद अफसोस है, अगर 27% मुल्क के अंदर आपकी रिजर्वेशन है, क्या वजह है कि जब मेरी सरकार भी थी इस रिजर्वेशन को क्यों नहीं 27% बनाया? मैं खुद हैरान। मंडल कमीशन रिपोर्ट की वजह क्या है? ये मंडल कमीशन रिपोर्ट है ना, ये मंडल कमीशन के बाद आया। हाँ मगर आया ना, आया आया, मैं उसके बाद हुकूमतें थी तो क्यों नहीं जो 5% हमने किया वो 27% क्यों नहीं कर सके? मुझे समझ नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा शेड्यूल ट्राइब की और ख़ासकर शेड्यूल कास्ट की मेरे ख्याल से 9% रिजर्वेशन है। तो हमारे जो उसके नायब सदर थे वो मेरे पास एक दफ़ा आए और सारे अफसरों के दफ्तरों के वो फाइलें लाए एम्प्लॉयमेंट और मुझसे कहने लगे कि साहब मैंने इन दफ्तरों में गया हूँ जहाँ हमारी 9% रिजर्वेशन होनी चाहिए, वहाँ कई दफ्तरों में तो 0%। याद है वो उसकी तबीयत ठीक नंदलाल जी ऐसे दौड़े, अगर कि वो उन्हें तकलीफ भी थी मगर कोई दफ्तर नहीं छोड़ा जहाँ वो पहुँचे और ये देखा कि जो रिजर्वेशन आपको होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि उस वक्त भी ऐसे लोग थे दफ्तरों में जो नहीं चाहते थे कि ये जो तबका बहुत पीछे है ये उठ सके। ये हमारा कसूर क्या? हालत ये है, कहते तो बात कुछ है मगर करने पे जब आते हैं तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो रुकावटें डाल देते हैं। और क्योंकि नंदलाल जी ने इसका भेड़ा उठाया तो हमने देखा कि जहां नहीं था वहां हमने अफसरों को बुला के कहा ये क्यों नहीं, वजह क्या है? आधुने तो कहा कि जनाब उसमें तालीम याफ्ता नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है मगर जमाना बदल गया है, काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं, डिग्रीज हासिल कर चुके हैं, ये जो पसमानदा था। तो फिर हमने देखा थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। आपने भी इसके लिए, मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ यहाँ नहीं बात कर, आपने इसके लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे जैसे आप यहाँ उठा रहे हैं कि साहब हमारे जो 27% रिजर्वेशन होती है वो क्यों नहीं है,
वही सही कहा आपने, आज तो हुकूमत इनकी है, दिल्ली वाले चला रहे हैं। अगर दिल्ली वाले चला रहे हैं वो कब देंगे? दूसरा आपसे कहो, हमसे वादा किया गया था कि डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आएगा, और उनसे कहा गया था कि साहब आपको हम 6 मार्च तक आपको टाइम देते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होगा, ये कहा था कि एक्सटेंड नहीं होगा। कल पार्लियामेंट में, अफसोस मैं यहाँ था तो मैं वहाँ उठ के बोल लेता, साहब आपने हमसे वादा किया कि 6 मार्च एंड है और रिपोर्ट आएगी। हम भी उसके मेंबर्स थे, मगर हमें आज तक उन्होंने ना बुलाया, ना कोई रिपोर्ट हमें दिखाई, ना हमें पता कि कर क्या आ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने खुद कहा कि 6 मार्च आखिरी दिन है, आज फिर से बढ़ा दिया, और यह कहा कि टाइम लिमिट हमने फिक्स नहीं किया है, क्या पता 6 साल तक ऐसे चलता रहे। ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का, कहते एक बात है करते दूसरी बात। इनको इससे ब्रेक करना चाहिए, यहाँ के लोग इतना सफ़र नहीं कर सकते, बहुत तानाशाही हो गई, बहुत अफसरशाही हो गई, बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत हो गई, अब लोगों की हुकूमत आनी चाहिए। लोगों के ही हुकूमत से लोगों के मसले हल हो सकते हैं, इस तानाशाही से वो हल नहीं हो सकते। ये झूठ कितना भी बोले, ये बहुत झूठ बोले, ये भी हो गया, टूरिज्म आ गया, बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, और नीचे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सिर्फ एक हवा बांध रखी है सारे मुल्क, लोग मर रहे हैं, कहते नहीं जी बड़ा अमन है, सारा अमन। अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत होती, इन्हीं अखबार वालों को वो बुलाते कि जबरदस्त लिखो, जबरदस्त हो रहा है, आज मजाल है ये लिखे, इनका पहले तो इनको जेल ले जाएंगे, इनके अखबार बंद कर देंगे, इनका मीडिया बंद कर देंगे, और इन पे वो कानून लगाएंगे कि जिंदगी भर ये कोर्टों में रहेंगे। ये हालत उसको ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि बहुत से उनका वोट बैंक है, और इसलिए वोट बैंक को समझाने के लिए रखना पड़ा। मगर ये जो है लोहार तरखान है, कुमार है, 28 है मेरे ख्याल से आपके जो है सब कास्ट, सब 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 कास्ट, सब कास्ट जो है 28, इनको भी उठाना हमारा फर्ज है। ये क्यों नहीं बन सकते हैं फिर से, क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते हैं, क्यों नहीं इंजीनियर बन सकते, और चूंकि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इनको वहीं रखा नीचे रहो। और मैं आपको बताऊँ, तरखान के बगैर या वो जो प्लम्बर है या छोटा इलेक्ट्रिशियन है, उसके बगैर किसी का घर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। और हम लोग उन्हें उसकी तरफ तवज्जो दें, ऐसे ठीक हो जाए। मगर शुक्र है जी साहब कि आपको जो उमर साहब ने जो ये नई चीज़ शुरू की, बोर्ड बोर्ड बनाया ओबीसी का, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपका मसला जो है वो उजागर हुआ, कि पहली दफा ये पता लगा कि भाई एक ऐसा तबका भी है जो बहुत पीछे है, और जब तक इनको हम मदद नहीं करेंगे ये आगे नहीं आ सकते, और उसके लिए हम लोगों को अब काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है तेली साहब आपकी लाइब्रेरी में आप लोग इस तबके को देखेंगे और इनके मुश्किलात को पूरा करने की कोशिश करेंगे, कल वक्त आए कि हम आपके आसानी करें इन लोगों को पाएगा। जैसे इन्होंने वो किसानों के बिल वापस ले ली, उस वक्त आपका वोट लेने के लिए वो आएंगे और आपको कहेंगे साहब हमने 27% दे दी, अजीब हालत है कि हर कोई गांव इस रियासत का वहां आपके ओबीसी का कोई ना कोई होगा, और गुर्बत जबरदस्त गरीब है, बहुत कम आप देखेंगे आप में से, आपकी सेल से
जो गरीबी के हद से ऊपर हों, बहुत कम। इसलिए हमारा फर्ज है, हम सब साथियों का जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, हमारी बहनों का, कि हम ये देखें कि इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी को हम दूर कर सकें। ये जरूरी है। 5 साल की सर्टिफिकेट क्या है, आपका धर्म तो नहीं बदलता, आपका काम तो नहीं बदलता, क्यों ना आपको लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट मिले, मेरी समझ में नहीं आता, मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत सौंपी फिर से तो हम लोग इसी तरह तवज्जो देंगे और जो ये नाइंसाफी आपके साथ हुई है इसको दूर करने की कोशिश करें, करनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ, कोई नाराज़ हो जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नहीं है कि सब आपके साथी हैं, सब आपके लिए उठाना चाहते हैं आप, नहीं है। और पता सबसे पीछे कौन रह जाएंगे, ब्राह्मण रह जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, सही बात है, ब्राह्मणों के लिए भी रिजर्वेशन का सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर ये छोटे ही तबका है, मॉर इंटेलिजेंट तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, कल वो ऐसा महसूस करेंगे कि साहब इन्हें तो 27% ले लिया, शेड्यूल कास्ट ने ले लिया, शेड्यूल ट्राइब ने ले लिया, हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ सब कुछ रिजर्वेशन में आ जाएगा, फिर रह जाएंगे मुसलमान। यानी एक वक्त आएगा हमारा देश रिजर्वेशन में ही रह जाएगा। कभी तो हम लोगों को जो तबके सचमुच नीचे हैं उनको उठाने का और कोई तरीका नहीं। अगर महात्मा गांधी ने वो मुहिम नहीं उठाई होती तो शेड्यूल कास्ट जो है वो भी आज बिल्कुल जीरो होते, कोई IAS नहीं होता, कोई पुलिस का अफसर नहीं होता, कोई पायलट नहीं होता। उस वजह से जब उनको वो 25 साल की रिजर्वेशन मिली उससे वो तबका उठा। आज कोई जगह नहीं है जहां पे वो डॉक्टर नहीं है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी आपके आज चीफ सेक्रेटरी तक वहां तक पहुंच गए क्योंकि रिजर्वेशन। फिर 25 साल की रिजर्वेशन के बाद उनको फिर से बुलाया गया, नहीं क्योंकि देखा कि अभी वो पीछे हैं, अपने में पैदा करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है, ऐसा करो। कोई बगावत नहीं करते, आज हम पे बगावत का भी लगता है, ये लगाने लगेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे, इसे घबराना नहीं चाहिए। ये आपको ऊंचा उठा रही है, तुंडे बादे मुखालिफ से न घबरा है काफ, ये उठती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए, घबराओ नहीं। जितना ये तुम पे आरोप लगाएंगे जिन, याद रखना ये उनकी कमजोरियां हैं और हमारी बुलंदियां हैं, कभी घबराओ नहीं। बोलते रहे, क्या करी बोल, यही कल आपके पैरों के नीचे गिरेंगे और कहेंगे हम गलत, मगर अपनी हिम्मत रखो और हिम्मत से चलो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लिए, अपने हक के लिए, ये नहीं कि आप कोई चीज ऐसे मांग रहे हो जो आपकी नहीं है, अपने हक के लिए आप लोग आवाज उठाओ, बुलंद करो, तब आपको अपना हिस्सा मिलेगा, उससे पहले कभी नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है तेली साहब और इसकी जमात और आप बहन भाइयों और बुजुर्गों कि आप लोग मिलके एक दूसरे साथ मिलके इसकी तरफ चलोगे और एक खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश करोगे जो सबके लिए होगी और इसमें तरक्की होगी सबके, यही एक रास्ता है। कहीं आरोप लगेंगे उनका परवाह मत, उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास न था न है न होगा।
बस यही आरोप लगाए। हाँ ठीक है, अपने से कब से लगे हैं, मेरे बाप पे तो उससे पहले भी लगे, कोई बड़ी बात। मगर ये साहब, तो मैं जो कर रहा हूँ वतन के लिए, यहाँ के लोग अपने लिए करे कि आप लोगों को हिम्मत दे, और इन्हें हिम्मत हमारी बहनों को भी हिम्मत दे कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। बहनों के लिए आसान नहीं है, बहनें जब तुम खड़े हो जाती हो तो ये नहीं समझना कि तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हारे पे बहुत से आरोप लगेंगे, बहुत से गंदी बातें कहेंगे, कहेंगे यानी कह रहे कहेंगे भी। मगर जिसने उसका दामन थाम लिया है वो गंगा की तरह साफ है, और जब लोगों की हुकूमत आएगी यही अखबार जो आज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं। मैंने कल पंतों की बात की, आज किसी अखबार में आपने देखा है इन पंतों का लिखा है कि पंडित वहां से भाग के आए? कोई अखबार नहीं, नेशनल मीडिया में नहीं, काट दिया वो, नहीं खबरदार ऐसा नहीं लिख रहा, क्योंकि किसी को ये सब कहते हैं सच नहीं पहुंचना चाहिए, मगर अंदर से सच पहुंच रहा है अल्लाह अल्लाह करी उनकी मेहरबानी से, नहीं लोग जानते हैं क्या हो रहा है। मगर जो ही एक हुकूमत आएगी, यहाँ लोगों की हुकूमत आएगी, हम इन पर कर्ज नहीं लगा, लिखे जो लिखना चाहिए, अखबार की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, उससे हम भी जागते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं गलत होते हैं तो ये हमें सही करते हैं, कहते हैं यहाँ पे आपने गलत किया है, एडिटोरियल लिखते हैं, तो हम भी जाग जाते हैं यार ये जरूर कुछ होगा, हम दबाते नहीं। मगर क्योंकि हमारी मुसीबत यह है कि हमारा मीडिया इसलिए भी इनके नीचे दबा हुआ है क्योंकि वो चलाने वाले जो हैं वो गरीब, वो इनके एडवर्टीजमेंट पे जिंदा है, सरकार उनका एडवर्टीजमेंट बंद कर दे वो अखबार ही बंद हो जाए, ये हमारी मुसीबत। किसी भी तरीके से हमें कानून एक लाना चाहिए मरकज में, कि ये मीडिया पे कोई भी रोक न लगाएं, सिर्फ इस बात पर रोक लगाएं कि कोई कम्युनल डिसहार्मनी को न दिखाएं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फसाद को उभारे नहीं, उस चीज पे हमें इनको कर्ज करना चाहिए, बाकी इनको आजादी होनी चाहिए, सच्चाई सच्चाई लिखे कि सरकार उससे ही अपना रास्ता सही कर। तीसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, हम लोग आज भी बहनों की इज्जत नहीं करते, और मैं आपसे कहना चाहता हूं खासकर ओबीसी से कहना चाहता, जब तक आपकी बहनें आगे नहीं आएंगी और बोलेंगी नहीं, याद रखिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि इस गाड़ी के दो पहिए हैं, एक तरफ मर्द है एक तरफ से औरत है, अगर ये दो पहिए नहीं चलेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये गाड़ी नहीं चलेगी। आज वो जमाना गया जब सिर्फ मर्द कमाता था और घर चलता था, अब जब तक औरत भी कमाएगी नहीं वो घर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा, एक की तनख्वाह से नहीं चल सकता, ईमानदारी से आपसे कहता हूं नहीं चल सकता, वो जमाना गया जबकि मर्द कमाता था और घर चलता था। आज जब तक घर की औरत भी काम नहीं करेगी वो दो पैसे नहीं कमाएगी, उसको हर वक्त मुसीबत रहेगी, वो जाएगी खाउन के पास मुझे तेल का पैसा दो, हाय मारा कल मैंने दिया था तो जाना पड़ेगा। जब मैं औरतों से कहता हूं जब तक तुम लोग अपने पांव पे खड़े नहीं रहोगे तुम्हारी कभी इज्जत नहीं होगी, मेरी बात याद रखना बहन, याद रखना, पहले अपने आप को खड़ा करना है आपने, जब आप खड़े हो जाएंगे आप देखना देश में कितनी उन्नति आई, कितनी तरक्की आएगी और कितना देश आगे जाएगा, और हमने औरतों को आगे चलाना है और उनको वो पोजीशन देनी है जहाँ पर कि आप
इस वतन को, इस हिंदुस्तान को आगे चला सकते, वही हो सकता है। जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। अरे हमारी हालत ये देखो, माँ खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी कुर्सी पे, वो मर्द हटेगा नहीं, ये नहीं सोचेगा यार इसको मैं कुर्सी दूं ये बैठे, नहीं खड़ी है। मैंने उन उन मुल्कों को भी देखा है जहाँ औरत की इतनी इज्जत है कि औरत आएगी बस में बैठा है वो उठ जाएगा और उसको कुर्सी देगा तू बैठ। यहाँ तो यह है कि औरत आएगी उसको धक्का मार देंगे। इसको बदलाना है, इसको 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 हम नहीं बदलाएंगे तो हम इसको वतन को बना नहीं सकते। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और मैं ओबीसी के उस लड़की से भी कहता हूँ, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी इन औरतों को बहनों के पास, इनको नहीं वो सब खाओगी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी जरूरी है, सियासत तो चलती रहती, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। 370 हो, वो स्टेटहुड हो, वो 35 हो, वो तो कर रहे हैं, इसमें हमने कभी तब्दीली नहीं। तूफान आएंगे आएंगे, मगर वही लोग उस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं जिन्हें पहले उस पर भरोसा हो फिर अपने आप पर भरोसा, कहना सही। ये चीज़ें कायम करिए। हम बड़ा धर्म धर्म कहते हैं मगर धर्म से बहुत दूर हैं, बहुत दूर, सिर्फ नाम है धर्म। कम तोड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, हर चीज जो भगवान कहता है मत करो वो करते हैं, पर कहते हैं ये नहीं, ये देश बनेगा नहीं तब तक जब तक हम अपने आप को उस जगह वापस न लाएं। ये मंदिर और मस्जिद तोड़ने से नहीं बनेगा, ये हम लीडरों की कमजोरी है कि हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ कुर्सियों की बात करते। धर्म बुरा नहीं, मजहब बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। कोई मजहब गलती नहीं सिखाता। क्या फारूक अब्दुल्ला ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं, मैं था ठेकेदार, यहाँ के लोग हैं, मालिक यहाँ के लोग हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, डोगरा हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, वो मालिक है। मगर कब समझोगे तुम कि हिंदुस्तान आजाद हुआ तुम्हारे लिए? कब समझोगे? कब तुम में ये आएगा कि तुम बादशाह हो? ये जो स्टेज पे बैठे ये बादशाह नहीं है, ये तुम्हारे गुलाम हैं जिन्हें तुम्हारे लिए काम करना है। जिस दिन ये भावना आप में बढ़ेगी कि मैं हूं, मैं मालिक हूं, ये मेरी जमीन है, उस दिन आप खड़े हो जाओगे मजबूती के साथ। अंग्रेजों को कैसे निकाला? पत्थर नहीं मारे, गोलियां नहीं मारी, गांधी निकला। और कहा इनको हमने निकालना है? जेल खाए, मुसीबतें खाई, क्या क्या नहीं खाया। वैसे लोग थे जिनने फांसी चढ़ी, काला पानी पहुंचे, मगर अपने आप को झुकाया नहीं। जिस दिन मैं तुम में दिलों में ये पैदा हो जाएगा कि मैंने झुकना सिर्फ उसके सामने है, उस दिन तुम लोग कामयाब होगे, उससे पहले कभी कामयाब नहीं। बयान नहीं कर सकता क्या उनको अल्लाह ने बर्दाश्त किया है, वो वही जानता है। उसके लिए आपने काम करना, उनको उस दलदल से निकालना है और उनको फिर से उस मंजिल पे लाना है जहां वो अपने हक के लिए बोल सकें और चल सकें। खुदा आपको मजबूती दे, और मैं आपको मुबारक करता हूँ कि आपके भाई बहन उधर आए
और हमें इनसे मिलने का मौका मिला। इंशाल्लाह हम हर वक्त आपकी तरफ तवज्जा रखेंगे और आपकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत एंड यू वेरी बिटर, आई एम वेरी सॉरी टू यू, वेरी बिटर। आई हर्ड यू, यू हैड नो राइट टू गो द वे यू वेंट। I'm very sorry to tell you on your face. Sir, sir, I had much respect for you. Sir, I'm very sorry. Sir, Wasim Rizvi ne dharm parivartan kiya.